है मोहिनी, तो इतनी टायर्ड क्यों लग रही है? अरे यार, मुझे लगता है ना पीरियड्स के टाइम में इतना जर्नी करना ठीक नहीं है। लेकिन मोहिनी, पीरियड्स तो मेरा भी चल रहा है। क्या, तो कितनी फ्रेश और एक्टिव लग रही है। तुझे देख के तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तेरे पीरियड्स चल रहे हैं। हाँ, ये सब इस SHPL का कमाल है। क्या? हाँ, फर्स्ट लेयर में ज्यादा सोखने के लिए सिल्क और स्मूथ सरफेस, सेकंड में दोनों तरफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, थर्ड लेयर में फार इंफ्रारेड जो हमारे बॉडी सेल्स को रिचार्ज करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और अनियन जो सारे बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ ऑडर रिमूविंग का काम भी करता है। वही फोर्थ और सिक्स लेयर में डस्ट फ्री पेपर, और फिफ्थ लेयर में 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली लिक्विड सोखने वाली मटेरियल, सेवेंथ लेयर में ड्राई और वेंटिलेटेड मटेरियल, और एट्थ लेयर पर फूड ग्रेड प्लास्टिक कवर है। तेरे पास जो तू रोज यूज करती है वो वाला पैड है तेरे पास? हाँ, चल मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। चल। यह है तुम्हारे वाला नैपकिन, चलो इसे खोलते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ है जिसके वजह से हम इसे दोबारा सील भी नहीं कर सकते। और ये एक बार ही सील हो सकता है। इसके दोनों साइड में बहुत जगह है जिसकी वजह से इसमें एयर जाती है, एयर के साथ साथ इसमें बैक्टीरिया मॉइस्चर भी पहुंचती है, राइट? ये तो रिसाइकेबल मटेरियल से भी नहीं बना। ये देखो मेरा वाला नैपकिन। वाओ, इसका पैकिंग भी बहुत इम्प्रेसिव है, और ये चारों तरफ से सील भी किया हुआ है जिसकी वजह से इसमें एयर के साथ साथ बैक्टीरिया मॉइस्चर पहुंच ही नहीं पाते, और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और तो और ये रिसाइकेबल मटेरियल से बना है जिसके लिए हमारा सारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। लेकिन श्रेया, मैंने तो इन बातों में कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ मोहिनी, पीरियड्स के टाइम में कोई भी सैनिटरी नैपकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ही बार में 50 मिलीलीटर लिक्विड सोपे, और इसीलिए सैनिटरी नैपकिन ऐसा होना चाहिए जो लिक्विड को सोपने के साथ साथ लीक भी ना हो, और पब्लिक एम्बेरसमेंट का भी तो डर लगा रहता है, राइट? और उसके साथ साथ कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे हम लोगों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। हाँ, इन्फेक्शन तो मुझे भी कई बार हुआ है। वही तो मोहिनी, इसीलिए हम लोग इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं और ऐसे ही तकलीफ सहते रहते हैं। लेकिन श्रेया, मैंने तो इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ मोहिनी, पीरियड्स के दिन में कोई भी सैनिटरी नैपकिन को एक ही बार में 50 मिलीलीटर लिक्विड सोपना पड़ता है, इसीलिए सैनिटरी नैपकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें लिक्विड सोपने के साथ भी वो एयर फ्लो बना रहे और लीक ना करे, नहीं तो पब्लिक एम्बेरसमेंट का भी तो डर लगा रहता है ना, और उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। हाँ, इन्फेक्शन तो मुझे भी कई बार हुआ है। श्रेया, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि कैसे सर्वश्री हर्ब्स सैनिटरी नैपकिन पॉपुलर ब्रांड से बेहतर और सुरक्षित है? हाँ मोहिनी, मैं तुझको दिखाती हूँ कि सर्वश्री हर्ब्स का नैपकिन ज्यादा बेहतर कैसे है। तेरे वाले सैनिटरी नैपकिन के ऊपर 50 मिलीलीटर ब्लू लिक्विड डालूंगी।
देखो, ये पैड पूरा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है और चारों तरफ से लिक्विड लीक भी हो रहा है। अब मैं SHPL के ऊपर 50 ml लिक्विड ग्लू डालूंगी, ठीक है? ये देखो, ये SHPL पैड तो पूरा लिक्विड ही सोप कर लिया और इसकी चारों तरफ पूरा सूखा है, किसी भी साइड से लीक नहीं हुआ है ये। अब मोहिनी, मैं टिश्यू पेपर लेके एक टेस्ट करती हूँ, ठीक है? टिश्यू पेपर पूरा गीला हो गया है। अब मैं सर्वर से हर्ब्स के ऊपर टिश्यू पेपर रख के देखती हूँ। ये देखो, सर्वश्री हर्ब्स का जादू, प्रेस करने के बाद भी कोई गीलापन नहीं है इसमें। सही में टिश्यू तो एकदम सूखा हुआ है। चल, मैं तुझे इसकी लेयर्स निकाल के दिखाती हूँ। टेढ़ा वाला नैपकिन तो ब्रेक करना भी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये देख, कितने आसानी से ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि ये कॉटन का बना हुआ है। चल, मैं तुझे अभी जेली एब्जॉर्बिंग टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देख मोहिनी, ये है नेगेटिव आयन चिप। इसकी बेनिफिट मैं तुझे बाद में बताती हूँ। चल, मैं तुझे जेली एब्जॉर्बिंग टेस्ट करके दिखाती हूँ। इस ग्लास में ये वाला जेली डालती हूँ और इस ग्लास में SHPL का जेली डाल रही हूँ। ये देखो मोहिनी, ये ग्लास का पूरा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिए। सच में? जबकि ये वाला तो वैसा का वैसा ही है। ये देखो, ये तो मिराकल हो गया। बस इसकी लास्ट लेयर में है ब्रीदिंग कैपेसिटी। जो एयर तो पास करती है लेकिन लिक्विड नहीं। वो कैसे? बताती हूँ। ये है गर्म पानी। इस ग्लास में नॉर्मल पैक का लेयर लगाती हूँ और इस ग्लास में SHPL का लेयर लगाती हूँ। देख मोहिनी, इसमें वेपर आ गया और इसमें अभी तक नहीं आया। वाकई? अब मुझे समझ में आया, तू इन दिनों में भी इतनी फ्रेश और स्मार्ट कैसे रहती है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। ये है नेगेटिव आयन चिप। ये 5800 नेगेटिव आयन डिस्चार्ज करती है और तो और कोई भी बिना साइड इफेक्ट के। बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव आयन चिप: प्रिवेंट वजाइना इन्फ्लेमेशन, रिड्यूसेस इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड
टेंसनेस, एंटीबैक्टीरिया, इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेंथेंस द बॉडी इम्यून सिस्टम्स, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, रिमूव्स ऑडर, नेगेटिव आयंस विल मूव अप द वर्म थ्रू द वजाइना, दस द ब्लड क्लॉट स्टोर इन द वजाइना विल बी डिस्चार्ज्ड मोर स्मूथली. The worm can be repaired and improvements can be expected in 3-5 days. Then, inflammation disappears and no smell is left. Negative ion sanitary napkins can effectively restrict the growth and survival of the bacteria and viruses. Chal chal, main tujhe iska bhi live test karke batati hu. Chal Mohini, tu apne dono haath straight kar. Aur apna sara strength इन्हीं हाथों में डालो और मैं इसे प्रेशर दूंगी और तुम उसे रेजिस्ट करना, ठीक है? चलो फिर से हाथ स्ट्रेट करो और मैं इनके ऊपर नेगेटिव आयन चिप लगाऊंगी, ठीक है? उससे पहले इसे एक्टिवेट कर लेते हैं. अब हम लोग वापस से वही चीज करेंगे, लेकिन एक उंगली के जगह हम हाथों से करेंगे. देखा? हाँ, अब मैं समझी तेरे फ्रेशनेस का राज. हाँ, अगर तू भी सर्वर से हर्ब्स का नैपकिन अपनाएगी ना, तू भी इसका गुण गाएगी.